हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम चुनाव तत्काल टल गया है और नई तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। इस दरमियान सभी पार्षदों ने एक दिन पहले एक बैठक रखी थी कि पंचायती राज के तहत हम लोगों को शहर में साफ सफाई व स्वच्छता अभियान चलाने हेतु आदेश निर्गत किया जाए। इसी बाबत आज कई पार्षद नगर आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के प्रतिनिधि से मिलने पहुंचे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक नगर निगम चुनाव नहीं हो जाता तब तक हमारी 10 सूत्री मांगों को मानते हुए अपने अपने वार्डों में कार्य करने का आदेश दिया जाए। परंतु नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि दुर्गा पूजा में भी साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर नगर निगम विशेष पहल करते हुए शहर के हर गली मोहल्ले को साफ और स्वच्छ रखा। साथ ही अब काली पूजा और छठ पूजा को लेकर भी रोस्टर तैयार हो गया है, उस पर भी जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर 4 जोनों में बांटकर प्रत्येक गली मोहल्ले में फॉगिंग की जा रही है। उस फॉगिंग में एंटी लार्वा केमिकल डालकर छिड़काव किया जा रहा है। उम्मीद है अपना भागलपुर साफ और स्वच्छ रहेगा। आज हम लोग प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से और जिला अधिकारी के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखे हैं कि पंचायती राज का जब चुनाव बढ़ गया था तो जो अधिकार सरकार ने पंचायती राज को दिया था वही अधिकार के तहत नगर निगम के पार्षदों को दी जाए, जिससे कि हम लोग शहर में बहुत अच्छा से अच्छा काम करा सकें, साफ सफाई करवा सकें। काली पूजा और छठ पूजा सामने है और हिंदू के ये महान पर्व को देखते हुए जो आज शहर में गंदगी फैली है, इससे शहर की बदनामी है और हम पार्षदों की भी बदनामी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने पदाधिकारियों से मांग की है कि आप हम लोगों को पंचायती राज के तहत शक्ति प्रदान करें और 10 बिंदु पर आप यथाशीघ्र विचार कर कार्य को आरंभ करें। नगर आयुक्त के पास जब हम लोग गए तो नगर आयुक्त ने हम लोगों को मिलने में करीबन आधा घंटा का लेट कर दिया और हम लोग उनके दरवाजे पर खड़े रहे। हम लोग जब आक्रोशित हुए तब नगर आयुक्त ने बुलाकर अपने चैम्बर में हम लोगों की बात सुनी है। इससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ है, ऐसा जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं होना चाहिए। जबकि नगर निगम के साथ साथ हम लोग शहर के हित में उनको कहने आए थे कि शहर में काफ़ी गंदगी फैली है, इसको साफ कराना ज़रूरी है छठ पूजा और काली पूजा को देखते हुए। लेकिन उनका मंशा क्या है वो तो शहर के लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। देखिए, अभी जो सभी लोगों के द्वारा कुछ बातें अपनी रखी गई हैं और स्पेशली इसमें साफ सफाई को लेके और जो अभी सीजन चल रहा है उसमें मच्छरों से जो बीमारियों का प्रकोप है उसको लेके उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, उसे हम लोग वैसे भी पहले भी जो है फॉगिंग करा दिए हैं और इस माह का जो है रोस्टर अभी निकल चुका है, डेली फोटोग्राफ्स आ रहा है, डेली का प्रतिदिन 4 जोनों में 2 वार्डों में एक दिन का हिसाब से 8 वार्डों को कवर किया जा रहा है और ये लगातार प्रक्रिया चलेगी, 1 माह तक फॉगिंग कराया जाएगा। साथ ही साथ अभी मुख्य सचिव महोदय के स्तर से 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जो स्प्रे कराते थे और जो लार्वल का जो एंटी लार्वल केमिकल है उसको भी हम लोग डलवाएंगे तो मच्छरों से कोई भी परेशानी नहीं हो शहरवासियों को, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। आगामी पर्व को लेकर जो सफाई का जो भी मुद्दा उठाए हैं तो अभी दुर्गा पूजा निकला है उसमें बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था निगम द्वारा कराई गई। काली पूजा और छठ की जितनी भी तैयारियां सफाई को लेकर होनी है, कूड़े को हटानी है या फिर छठ घाटों को जो भी साफ सफाई करानी है उसका पूरा कार्य योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। आने वाले समय में हम लोग एक मीटिंग करेंगे और जो पूजा समिति है उनके सदस्यों के साथ ही बैठक करके जैसा भी जहाँ जहाँ से सुझाव आता है उसको हम लोग ससमय समय से पहले ही उसको करवा लेंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ जिले में लगातार पिछले दिनों हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर अपराध गोष्ठी की गई, जिसमें आपराधिक घटनाओं में अपराधियों की गिरफ्तारी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसके साथ ही काली पूजा और छठ पूजा को लेकर सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिए गए। वहीं पेंडिंग मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया। आज ये मंथली क्राइम मीटिंग हुई जिसमें सभी SHO, सर्किल इंस्पेक्टर, SDPO और CTSPO हम लोग उपस्थित थे। यहाँ पर सभी के काम की समीक्षा की गई है, अपराध नियंत्रण, कांडों का अनुसंधान और विधि व्यवस्था, जो आगामी पर्व आने वाले हैं उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई है। उस पर हम लोग अभी अलग से समीक्षा करेंगे, यहाँ पर भी हम लोगों ने बात की लेकिन क्योंकि यहाँ किसी एक मुद्दे पर बहुत विस्तार से बात नहीं हो पाती है और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो सबके सामने अनुसंधान की गोपनीयता भी बरकरार रखनी पड़ती है, लेकिन उसमें अभी काम जारी है।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में 9 और 10 अक्टूबर को एएनएम की काउंसलिंग चल रही थी, जिसमें विलंब होने के चलते अभ्यर्थी एवं उसके अभिभावकों ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि हम सभी दूरदराज से आए हुए हैं, हम लोगों को 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का समय दिया गया था, ना तो 9 अक्टूबर को काम पूरा हो पाया और ना ही 10 अक्टूबर को, और अचानक कहा गया कि अब 11 अक्टूबर से आप लोगों का काम होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो दूर दराज से आए हुए अभ्यर्थी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, यह कौन सोचेगा। इन परेशानियों से तंग आकर अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अंततः एएनएम के अभ्यर्थियों से फाइल तो ले ली गई, परंतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कल जैसे सर 9 और 10 हम लोग का है काउंसलिंग का टाइम, ओटी असिस्टेंट कटिहार मिला हुआ है, और हम लोग मुरलीगंज से कल 9:30 बजे आ गए थे, चूँकि 11 बजे से होती है, 11 बजे से मतलब सब फाइल सबमिट हो गया, 12 बजे यहाँ पे आ गया है, लेकिन कल बोला कि ठीक है तुम लोग रुको शाम तक हो जाएगा, लेकिन हम लोग 5:30 बजे गए ऑफिस अंदर में ज़बरदस्ती घुसे, तो बोला कि नहीं अब नहीं होगा, अनाउंस करवा दिया कि आप लोग जो है कल सुबह आइए, पहले एएनएम कटिहार का होगा उसके बाद आप लोग का होगा। आए हैं सर वो कल ही से ओटी वाला, मैं कल भी मतलब जो है अथी नहीं हुआ, आज भी अभी तक नहीं हुआ है, अपर काउंसलिंग वाला से बायोमेट्रिक वाला सर। कितने दिन से आप? तो कल ही से आए हैं सर। कल आप लोगों का डेट दिया था? जी जी 9 के दिया था सर, फिर हाँ कल भर दिन रखा, सुबह में बोला कि 5 बजे की आप जो है जाइए, आप लोग कल आइए, कल कितने बजे आएंगे सर, तो बोले सर कुछ बच्चे लोग को डांट भी रहे थे वो लोग, तो हम बोले डांटते हैं क्या सर, कल के डांटेंगे ना, एक बार हम समझा दिए तो फिर बार बार ये अथी करता है, इसलिए सर फिर भी आप शिक्षा के क्षेत्र में हर चीज़ को पढ़े लिखे हैं, बच्चे लोग को डांटते अच्छी बात नहीं है। भागलपुर में करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि युवक दोनों पैर से दिव्यांग था, आज सवेरे जब वो शौच के लिए गया तो शौच के दौरान ही उसे ट्रांसफार्मर के पास करंट लग गया और मौके पर ही वो गिर गया। लोगों की शोरगुल से पता चला कि वो करंट से मर चुका है। मृतक की पहचान अजीजपुर पिटना का रहने वाला मोहम्मद यूसुफ का पुत्र मोहम्मद खुर्शीद उप टुन्नू के रूप में हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के पास पोखर है और वो जहां शौच कर रहा था वो भी काफी गीला जगह था, जिसके चलते उसे करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खुर्शीद अपने पीछे अपनी पत्नी और 5 बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। वहीं खुर्शीद की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर के थोड़ा सा आगे एक ट्रांसफार्मर है, जुबेर के घर लग पोखर किनारे में, उस देखे रास्ता है, ये सुबह 6 बजे जा रहे थे वहाँ पर पेशाब करने के लिए बैठ गए, वो ट्रांसफार्मर से करंट लग के इनकी मौत हो गई। मैं जगह क्या पानी था? हाँ वहाँ पे पोखर किनारा है, गीला रहता है, पानी उनी भरता है नल उल का, उसी वहीं पर उनका डेट हो गया। क्या नाम था? नाम इनका था मोहम्मद खुर्शीद उर्फ टुन्नो, ग्राम अजीजपुर पिथना हुआ, पिता का नाम मोहम्मद यूसुफ हुआ, शादीशुदा है, 3-4 बच्चे भी हैं, 5 बच्चे हैं इनको, दोनों पैर के विकलांग भी हैं बेचारे, निंगड़े हैं। आप कौन हैं? हम उनके चचेरे भाई हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में डाउन मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला कट गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं बच्चे को सर में गंभीर चोट लगी है। घटना की सूचना पर रेल पुलिस एवं स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और घायल बच्ची को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया। मृतक महिला की पहचान दुधेला गाँव के रहने वाले दिलीप मंडल की 25 वर्षीय पत्नी प्रेमिका देवी के रूप में हुई है। मृतक महिला के परिजन शीला देवी ने बताया कि सबौर अपने मायके से छट्टी का भोज खाकर घर दुधेला आ रही थी, जिस समय यह घटना घटी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा मिलने के बाद स्टेशन पहुंचकर परिजनों ने महिला की पहचान की। मामले में स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि दोपहर 12:41 पर डाउन मालगाड़ी की चपेट में महिला और बच्चा आ गया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची का इलाज रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। महिला की पहचान परिजनों द्वारा कर दी गई है। महिला को रेल पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया गया है। बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया है। डॉन डीजल संख्या 3-2-4-9-4 डॉन डीसी, समय लगभग 12:41 में डॉन में जा रही थी, उसी समय अप की ओर जमातो भागलपुर की ओर दोनों तरफ मालगाड़ी आ रही थी जा रही थी, पूरा अनाउंसमेंट किया गया था। किलोमीटर 328 के 28 पर एक महिला गोद में बच्चे लेकर के टप रही थी,
उसी दरमियान में डॉन डीजल में एक मालगाड़ी से धक्का लग गया, जिसमें कि मृतक प्रियंका देवी का ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। एक बच्ची गोद में थी, उसको लेकर के इमीडिएट रेफर अस्पताल सुल्तानगंज में भेजा गया, जिसमें कि उसका इलाज किया गया और बच्ची सुरक्षित है, माँ उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी छानबीन करने के बाद अभी लगभग 2:30 बजे उसका पूरा पता चल पाया। बिहार महिला जदयू की प्रदेश अध्यक्ष श्वेता विश्वास के निर्देश पर जिला महिला जदयू की संगोष्ठी सह सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को कार्यकर्ताओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं गांव-गांव जाकर जदयू के द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को ग्रामीण महिलाओं तक बताने एवं अधिक से अधिक संख्या में महिला सदस्यों को बढ़ाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। आने वाले चुनाव में महिला प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने के लिए अभी से महिला जदयू के द्वारा तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महिला जदयू अध्यक्ष सोनी कुमारी ने की। कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। और देखिए, जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ का महिला संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में हम लोग कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद से न्याय के साथ सबका विकास जो उनका संकल्प था, और उस परिपेक्ष में जो महिला सशक्तिकरण की एक लंबी लकीर उन्होंने राष्ट्रीय पटल पर खींची, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, ओवरऑल डेवलपमेंट जो महिलाओं का एम्पावरमेंट होता है जो उन्होंने किया, उन्हीं सारी बातों को, उन्हीं सारी चीज़ों को एक महिलाओं के बीच में, जिले की महिलाओं के बीच में एक विमर्श हम लोग को करना है और बताना है कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं सरकार के वुमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में, जो नीतियाँ चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन लोगों से को अवगत कराना है, ताकि वो उन कार्यक्रमों का, उन नीतियों का वो लाभ लेकर के अपने आप को एम्पावर कर सके। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है, आधी आबादी तो हम कहते हैं, लेकिन ये विश्व की पूरी शक्ति, इनके भी इस पूरी शक्ति के बिना डेवलपमेंट मुश्किल है। कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं को जो जागरूक करने का काम है, सदस्यता ग्रहण करने का काम तो बाद में है। सबसे पहला मेरा लक्ष्य है कि सबको जागरूक करें, और जब वो समझ जाए कि इस चीज़ कार्यक्रम किस लिए रखा गया है, तभी उसको सदस्यता ग्रहण कराया जाए। कि हम लोगों ने सदस्यता अभियान के ऊपर ये कार्यक्रम रखा है, महिला जदयू के द्वारा संवाद कार्यक्रम एवं सदस्यता अभियान समारोह है, उसी के ऊपर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि हमारी प्रदेश से आई हुई पदाधिकारी हैं, प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं आसमा परवीन जी हैं, उनके साथ हमारी भागलपुर की राज्यसभा सांसद कसा परवीन जी हैं, हमारे मेन की जिला अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। हम लोगों ने सदस्यता के ऊपर ये कार्यक्रम आज रखा। भागलपुर की गौशाला के हॉल में विश्व हिंदू परिषद दक्षिण बिहार विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने और अगले साल 61वें वर्षगांठ मनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं संगठन को मजबूत बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों को और कैसे उत्तम बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। संगठन की मजबूती, गौ रक्षा, महिला रक्षा और देश की रक्षा सहित सेवा कार्यों को लेकर मजबूती से करने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं और कई योजनाओं को बनाया गया है, जिसको लेकर केंद्रीय स्तर के कार्यकर्ता प्रांतों में आकर कार्यकर्ताओं सहित गांव-गांव में इसे बढ़ावा देने को लेकर प्रचार प्रसार करने सहित संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले वर्ष में कार्य करने की तैयारी की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। रूप में बनाया जाएगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 60 वर्ष हो गए, इसलिए अगला वर्ष जो है हमारा 60 वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गांव गांव तक विश्व हिंदू परिषद का कार्य पहुंचे, समितियां बढ़े, संगठन का कार्य आगे बढ़े, और उसके जो परिणाम आएंगे उसमें हिंदू रक्षा है, अत्र शक्ति की रक्षा का कार्य है, गौ रक्षा का कार्य है, सेवा के अनेक कार्य हैं, ये सारे कार्य भी नीचे तक पहुँचे। आज हमारी समितियाँ हैं, उससे डेढ़ी समितियाँ और सेवा कार्य जितने हमारे आज हैं वो सारे, वो भी ज़्यादा बढ़े हैं। परावर्तन के जितने कार्य चलते हैं वो सारे कार्यों का कार्य आगे बढ़े हैं। इस तरह का 60 वर्ष में एक नियम योग बनाया है और उसी के निमित्त लगातार प्रयास चल रहे हैं, की योजनाएं बन रही है, इसके निमित्त प्रवास भी चल रहे हैं। सब पूरे भारतवर्ष में इस तरह के सभी कार्यकर्ता एक दूसरे के, केंद्रीय पदाधिकारी जो है वो प्रांतीय स्तर पर आ रहे हैं,
विभाग स्तर पर आ रहे हैं, विभाग स्तर के सारे कार्यकर्ता, प्रांत स्तर के सारे कार्यकर्ता नीचे तक जा रहे हैं और ये कार्य हमारा सृष्टि उसमें वर्ष में कैसे बढ़े, नीचे गांव-गांव तक इस कार्य को कैसे पहुंचाया जाए, सक्रियता लाई जाए। विश्व हिंदू परिषद कार्य लगभग प्रत्येक गांव में विश्व हिंदू परिषद की पहचान है, चाहे वो राम मंदिर के नाम से जानते होंगे, कोई मंदिर के नाम से जानते होंगे, अनेक नामों से जानते हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नाम से जानता है। लेकिन चूँकि उस गाँव में कार्य भी बढ़े परिचय की दृष्टि से तो सब जानते हैं, लेकिन कार्य भी उस गांव-गांव में कार्य बढ़े, इसके लिए ये जो अगला वर्ष है वो सारा इस काम के लिए लगे हुए हैं सभी। भागलपुर की सुंदरवती महिला महाविद्यालय में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ICIC पटना से आए अधिकारियों के द्वारा छात्राओं को वित्तीय साक्षरता और जागरूकता विषय पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा सहित कॉलेज की शिक्षिकाओं ने दीप प्रज्वलन कर की। कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्राओं ने शिरकत की।